डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिकर्सिव ट्री मेथड से कैसे हम रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। तो गाइज, उसका एक और एग्जांपल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने एग्जांपल्स आप इससे रिलेटेड करोगे ना गाइज, उतना ही आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। क्योंकि ये टॉपिक ना एल्गोरिदम में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है और कहीं ना कहीं ये चीज स्टूडेंट्स को तंग करती है। बट गाइज, आप बेस्ट सोल्यूशन इसका यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, चाहे बैक सब्स्टिट्यूशन से, चाहे आप मास्टर थ्योरम से, या फिर तीसरा मेथड जो मैंने आपको करवाया, दैट इज अ रिकर्सिव ट्री। तो गाइज, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जो फंक्शन है टी ऑफ एन, मतलब एन जो है वो एन बाय फोर में डिवाइड हो रहा है। मतलब एक प्रॉब्लम है मेरी एन साइज की, वो एन बाय फोर के तीन टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। आपको इस रेकरेंस रिलेशन से सबसे पहले ये चीज समझनी होती है, ठीक है? कैसे? देखो, एन जो है वो मेरी क्या हो रही है, एन बाय फोर में डिवाइड हो रही है। लेकिन एन बाय फोर मतलब छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है। तो ये छोटी सब प्रॉब्लम कितने टुकड़े हैं, ऐसी कितनी प्रॉब्लम बनेंगी, वो बनेंगी आपकी तीन। इसीलिए लिख दिया 3TN/4, मतलब n जो है उसके तीन टुकड़े बनेंगे n बाय फोर साइज के। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट यहां पे कि ठीक है, मेरी n जो है वो n बाय फोर के तीन टुकड़ों में डिवाइड होगी। अब जब इन तीन टुकड़ों को हमने बनाया और फिर इनको सॉल्व करने के बाद इनके आंसर्स को कंबाइन करेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं, तो मेरा कितना टाइम लगेगा वो आपको ये चीज बताती है। तो यानी यहां पे मेरे को बता रहा है कि इनको डिवाइड करना, कंबाइन करने, इसमें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, सी एन स्क्वेयर, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, वो बाद में हम इसको सेट कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको लिख लो सी एन स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो n जो है वो n बाय फोर में डिवाइड हो रही है। तो n बाय फोर आगे कैसे डिवाइड होगी? तो अगर आप n की जगह n बाय फोर पुट कर दो, इस n की जगह n बाय फोर पुट कर दो, तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा n की जगह n बाय फोर पुट कर दिया इंटू 1/4 ऑलरेडी है ही, तो ये क्या बन गया, n बाय 16 बन गया। तो यानी आप नेक्स्ट स्टेप में कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम का साइज n बाय फोर है ना, वो आगे तीन टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, जिनका साइज बनेगा n बाय 16। क्लियर है गाइस? n बाय 4 अब मेरी सब प्रॉब्लम है, वो आगे तीन टुकड़ों में डिवाइड हो रही है, जिसका साइज कितना बनेगा, n बाय 16। ऐसे ये भी n बाय 16, n बाय 16, n बाय 16, ऐसे ये भी n बाय 16, n बाय 16 और n बाय 16। स्पेस की वजह से मैं सारे लिख नहीं रहा, बट आप मान के चलो ये सारे के सारे एज इट इज बन रहे। अब इनकी कॉस्ट, मतलब मैंने इसको तीन टुकड़ों में डिवाइड किया, बाद में इन तीन टुकड़ों के रिजल्ट को कंबाइन करूंगा, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी। तो जब n था तो मेरी कॉस्ट कितनी लग रही थी, n स्क्वायर, मतलब n को जब मैंने n बाय 4 में डिवाइड किया तो कॉस्ट लग रही थी n स्क्वायर। अब मेरी n बाय 4 है, तो n बाय 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा, तो यानी एक तरह से n की जगह n बाय 4 पुट कर दो, यानी n बाय 4 का स्क्वायर कॉस्ट लगेगी। तो यानी इस चीज को सॉल्व करने के लिए, n बाय 4 के तीन टुकड़ों को बनाने के लिए और कंबाइन करने के लिए, मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, n बाय 4 का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर बाय 16। तो एक के लिए n स्क्वायर बाय 16 आपकी लग रही है, एक के लिए, मतलब इस n बाय 4 को तोड़ना और डिवाइड करना और कंबाइन करना n स्क्वायर बाय 16। लेकिन आपको ये कितनी बार करना पड़ रहा है, एक यहां पे, एक इस n बाय 4 के लिए, एक इस n बाय 4 के लिए, तो यानी आपकी टोटल कितनी हो गई, 3/16 एन स्क्वेयर। सी आप साथ में निकालो, लगाना चाहते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट समझ के चलो कि सी ऑलरेडी है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया गाइज, ये n बाय 4 को हमने n बाय 16 के तीन टुकड़ों में दिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी लग रही, n स्क्वेयर बाय 16। लेकिन गाइज, ये हम कितनी बार कर रहे हैं, हम इसके लिए भी कर रहे हैं, इस n बाय 4 के लिए भी कर रहे हैं, इस n बाय 4 के लिए भी कर रहे हैं, तो तीन बार ये काम कर रहे हैं, तो 3/16 एन स्क्वायर। अब एक स्टेप और अगर हम करें, लेट्स से मैं इस n बाय 16 को देखूं, अब मेरी प्रॉब्लम का साइज है n बाय 16, तो इस n की जगह अगर आप n बाय 16 पुट कर दोगे, तो अंदर देखो n बाय 16 इंटू 1/4 यानी n बाय 64, यानी ये n बाय 64, ये n बाय 64 और n बाय 64 के तीन टुकड़ों में आगे डिवाइड होगी। ये सिर्फ मैं गाइज इसको करके दिखा रहा हूं, ये भी होगी, ये भी होगी, और इसके आगे जो होंगे
तीन तीन टुकड़े वो भी आ गए n by 64, n by 64, n by 64, इस तरीके से डिवीजन। अब देखो इस n by 16 को n by 64 के तीन टुकड़ों में तोड़ा और फिर कंबाइन करेंगे तो मेरी एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप इसकी जगह क्या पुट कर लोगे, इसकी जगह n की जगह n by 16, ये n by 16 था ना, तो n by 16 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे n by 16 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर by 16 स्क्वायर या n स्क्वायर by 256 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये था सिर्फ एक वाली को जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ एक को सॉल्व करने के लिए n स्क्वायर by 16 स्क्वायर कॉस्ट लग रही है। तो गाइज ऐसा आप कितनी बार करोगे, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, और छह यहां पे हैं, ये एक दो तीन चार पांच छह और सात आठ नौ, तो यानी यहां पे आपको नाइन टाइम ये करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गई, नाइन बाय 16 का स्क्वायर, 9 बाय 16 का स्क्वायर, या बेटर क्या लिख लो, 9 बाय 16 स्क्वायर इस तरीके से लिखने की बजाय ना आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो कि 3 बाय 16 का स्क्वायर n स्क्वायर, आप ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेटर तरीका है। तो गाइज आपको ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सी एन स्क्वायर, फिर आगे मेरी ये कॉस्ट आगे एक, नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगी, ऑब्वियसली 3 बाय 16 का क्यूब एन स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरी प्रॉब्लम जो है वो एक तो ट्री मेरा इस तरीके से बढ़ता जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगी, सब प्रॉब्लम जो है वो उसका साइज वन हो जाएगा कुछ पॉइंट के बाद। तो यहां पे अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट ऑब्वियसली इसमें क्या बनेगी आपकी, देखो अगर मेरी प्रॉब्लम का साइज है 16 तो 16 को डिवाइड किया 4 तो यानी ये 4 बन गया, 4 को डिवाइड किया यानी ये तीन स्टेप में आपकी खत्म, तो log n लेकिन बेस क्या होगा 4, तो हाइट मेरी क्या बनगी log n लेकिन बेस क्या होगा इसका 4। तो यहां पे हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए करो क्या, जैसे देखो सबसे पहले लिख लो सी एन स्क्वेयर प्लस 3 बाय 16 सी एन स्क्वेयर, ठीक है ये वाला, यहां पे सी नहीं लिखा था बाय डिफॉल्ट मान के चलो सी तो है ही सबके साथ, प्लस 3 बाय 16 का होल स्क्वायर सी एन स्क्वायर प्लस 3 बाय 16 का होल क्यूब सी एन स्क्वायर प्लस करते करते लास्ट में 1 तक। तो यानी ये आपकी जो है वो कौन सी सीरीज बन गई, जीपी सीरीज बन गई। इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा और बेटर क्या करो, सी एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो सी एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पे 1 प्लस 3 बाय 16 प्लस 3 बाय 16 का स्क्वायर प्लस 3 बाय 16 का क्यूब प्लस करते करते आपकी लास्ट तक। तो यहां पे ये आपकी जो है वो आप प्योर कह सकते हो जीपी सीरीज बन गई, और ये एक तरह से आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस इनफाइनाइट जीपी। तो यहां पे मेरे पास इस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। तो यहां पे आर की वैल्यू क्या है, 3 बाय 16, तो 3 बाय 16 ऑब्वियसली 1 से तो छोटा ही है ना, पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है, तो यानी ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो सी एन स्क्वायर मेरा बाहर है और अंदर इस सारे को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर क्या है 3 बाय 16, तो 3 बाय 16 ये आपका क्या बन गया, 1 डिवाइड बाय 16 माइनस 3 13 बाय 16 बन गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो 16 बाय 13 लिख सकते हो, और सी एन स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में है गाइज, ये भी कॉन्स्टेंट ही है। ये तो जस्ट आपको सारे स्टेप करके दिखा रहा हूं क्योंकि इन स्टेप्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, क्योंकि जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है उनको तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, उनको तो लगेगा कुछ भी नहीं है यार, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा करके आते हैं या जिनका 11th 12th में बहुत ज्यादा मैथ जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको यहां पे आके ना दिक्कत आ जाती है। तो गाइस इसलिए मैं सारे स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये सी भी कांस्टेंट है, 16 बाय 13 भी कांस्टेंट है, तो बेटर इसको आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हो। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस तरीके से बन जाती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये तरीका है आपका रिकर्सिव इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय यूजिंग द रिकर्सिव ट्री मेथड। थैंक यू।